से आपको दर्शन करवाते हैं कच्छ का मुंबई में। चलिए इट इज गिविंग अ फील ऑफ अ विलेज, गांव का फील दे रहा है, एम्बियंस इज गुड। लेट्स विजिट डाइनिंग एरिया। मंचाओ सूप, एक मंचाओ सूप कर दी, मंचाओ सूप। हाँ लेट्स ट्राई मंचाओ सूप। थैंक यू, लेट्स ट्राई मंचाओ सूप। कंसिस्टेंसी ऑफ सूप लुक्स गुड। टेस्ट इज ओके ओके, जिंजर एंड गार्लिक आर डोमिनेटिंग, इट्स हॉट। लेट्स ट्राई विथ नूडल्स। समहाउ आई फील नूडल्स आर नॉट दैट क्रंची, बट लेट्स टेस्ट। दे आर नॉट दैट क्रंची, अगर और थोड़ा ज़्यादा क्रंची होता तो मज़ा आता, बट सूप इज एवरेज है। तो वी विल बी गेटिंग अ लाइव डोसा काउंटर, तब तक हम चटनी ले लेते हैं। सादा सादा, कड़क करना थोड़ा। जब तक डोसा बनता है हम थोड़े ढोकले ले लेते, संगम ढोकला। कोन के शेप में डोसा मिला है, थैंक यू। चलिए पहले हम डोसा टेस्ट करते हैं। डोसा साइड से थोड़ा सॉफ्ट है बट यहाँ पे काफी क्रंची है, चटनी का टेस्ट भी A1 है। चटनी इज कोकोनट का टेस्ट प्लस थोड़ा कोरिएंडर एंड जीरा। प्रॉपर उडुपी स्टाइल डोसा। अब टेस्ट करते हैं संगम ढोकला, ये दो लेयर में बटा हुआ है, ऊपर ऑरेंज नीचे वाइट। काफी सॉफ्ट है, वैसे भी ढोकला तो गुजरातियों का स्पेशलिटी रहता है। इट हैज टू बी नाइस। थोड़ा स्वीट और थोड़ा टैंगी टेस्ट है ढोकले का, और ऊपर से तड़का मारा हुआ है वाइट तिल और सरसों का विथ सम कोरिएंडर। नाउ टेस्ट, लेट्स टेस्ट विथ द चटनी।
चटनी के साथ और भी बेहतर लग रहा है। इट्स टेस्ट नाइस विद बोथ द चटनी। आफ्टर डोसा लेट्स ट्राई सम इटालियन फूड। लाइव काउंटर रहता तो अलग ही मजा होता, बट लेट्स टेस्ट बोथ द पास्तास। रेड पास्ता में पता नहीं कुछ कमियां लग रही है, मे बी गरम रहता तो और बेटर लगता। टमाटर का टेस्ट आ रहा है, इज अ टेस्ट गुड टेस्ट ऑफ टमेटो, बट आई डोंट नो समवेयर कहाँ पे ना वो एक जो बोलते हैं ना फीलिंग नहीं आ रही है खाने की। और व्हाइट पास्ता हैज गुड अमाउंट ऑफ क्रीम बट अंडर कुक्ड है, दिस इज अंडर कुक्ड, बहुत ही च्यूई है, सो नेगेटिव ऑन बोथ द पास्ता। आफ्टर पास्ता लेट्स ट्राई सम स्वीट्स। सो वी हैव रोज गुलकन हलवा एंड लाइव जलेबी काउंटर। गर्मा गर्म जलेबी केसरिया जलेबी इज रेडी, लेट्स ट्राई। गरम नहीं बेटा, रोज गुलकंद हलवा, रोज का काफी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, इनफैक्ट रोज एसेंस का काफी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, बट हलवा इज प्रॉपरली कुक्ड, थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी है। बट थोड़ा एसेंस हायर साइड पे। लेट्स टेस्ट जलेबी, गर्मा गर्म केसरिया जलेबी। अभी क्रंची प्रॉपर टेस्ट, this is good. I would prefer jalebi over roz gulkand halwa. Now let's try tawa sizzler. क्या है इसके अंदर? राइस नूडल्स और वेजिटेबल्स, सेजवान सॉस, और ये इसका ग्रेवी है। तो ग्रेवी में भी काफी सारे वेजिटेबल्स है। टेस्ट इज गुड, सेजवान का हल्का हल्का टेस्ट है, इट्स नॉट दैट स्पाइसी। नूडल इज प्रॉपरली कुक्ड, वेजिटेबल्स वी हैव कैप्सिकम, रेड कैबेज, yeah, that's the only two vegetables that I can find in this. Overall it's a balanced taste, even kids can have this, kyunki ye itna teekha nahi hai, bachche bhi aaram se kha sakte hain, but Szechuan ka taste aa raha hai.
ग्रेवी इज गुड, इसके अंदर काफ़ी सारे वेजिटेबल्स है और टेस्ट अच्छा है. नाउ लेट्स कंबाइन बोथ ऑफ देम. साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं या फिर साथ में भी खा सकते हैं, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं. सो नाउ लेट्स टेस्ट राजस्थानी फूड, दाल बाटी एंड चूरमा. दाल बाटी सोक्ड इन मे बी घी और ऑयल, नॉट श्योर. Take some dal. Dal is prepared in or is in kept in earthen pot. So I believe it would taste good. Next, take some churma laddu. Churma laddu looks good, tastes good, it's soft and breaks easily. 10 taste ghee, wheat flour which is the main ingredient and grated dry fruit. Churma laddu are good. Now let's go for party. In fact, I wasn't able to break with spoon. However, when I chewed it, it was very soft. जो बोलते हैं ना, खस्ता है. Party is very खस्ता. Hard from outside but soft inside, like the party. So I would suggest instead of breaking it with spoon, you have whole party together. We'll have one more dal party. Enjoying dal. Dal party with churma laddu is an awesome combination, but I am also enjoying plain dal. Texture, color is good. I would suggest to have dal bati once over here. अभी इतना खाना खाने के बाद सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और हम लोग आ गए गेम काउंटर पे. बताइए गेम्स के रूल. सिक्स बॉल है, आपको यहाँ से वन बाय वन करके बॉल डालना है. बॉल नंबर्स में जाएंगे, सबका टोटल होता है. टोटल में आप जो नंबर स्कोर करोगे ना, वो नंबर का गिफ्ट आपको मिलेगा. ओके, आपका लोएस्ट टोटल क्या है जहाँ पे गारंटीड गिफ्ट है ऐसा कुछ? एक्चुअली अबाउट 12 है ना, तो आपको एक गिफ्ट कम से कम आपको एक गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा. अबाउट 12 यस. 12 के नीचे आता है तो आपका वेस्ट होगा. 12 हो गया आपका तो आपको एक गारंटी आपको एक गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा. तो 6 बॉल में 36 मैक्सिमम हो सकते हैं. तो 36 के स्कोर पे क्या 36 पे आपको ये मिलेगा. अच्छा, कीबोर्ड है 36 के स्कोर पे. लेट्स ट्राई आवर लक. फर्स्ट बॉल टू. यार दो बॉल पे स्कोर हुआ है 3. तीन बॉल पे 4. गारंटीड गिफ्ट के लिए अभी चाहिए 3 में 8. कितना हो गया 6.
11 गारंटी हो गया, अभी एक तो स्कोर होगा ही, तो भैया जी एक तो गिफ्ट मिलना ही मिलना है। ये क्या है? ये पेपर क्यूलिंग है, ये स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह में काम आता है। ओके, तो ये तो हमारे काम का नहीं है, ये बबल्स है, ये हम कभी कभी कोई वीडियो में यूज करेंगे। वैसे भी बुड्ढी के बाल खा के और पॉपकॉर्न खा के बच्चे तो बन ही चुके हैं, तो वी विल टेक दिस। थैंक यू। अब जाते हैं मेन कोर्स जो है सब्जी रोटी रोटला और खिचड़ी। अब जाते हैं दूसरे हैदराबादी सब्जी की तरफ। इसके अंदर वेजिटेबल्स काफी सारे हैं और टमाटर फ्लावर कैरेट मटर पंसी गुड वेजिटेबल। तो फर्स्ट वन हम लोग ने ट्राई किया था वो था रेड ग्रेवी में, सेकंड वाला जो हम लोग ने ट्राई किया वो है ग्रीन ग्रेवी में। रोटला ट्राई करते हैं। रोटला अच्छा बना है, सॉफ्ट है, बाजरी का टेस्ट अच्छे से आ रहा है, मतलब एक बाजरी का एक टिपिकल स्वीटनेस होता है, सो आई कैन टेस्ट दैट। बाजरी का रोटला और बैंगन का भरता अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो लेट्स ट्राई। बैंगन के भरते में जो बैंगन को रोस्ट करते हैं बारबेक्यू अच्छे से हुआ है, उसका एक अच्छा टेस्ट आ रहा है, प्लस ऑनियन एंड टमेटो, दिस थ्री आर द डोमिनेटिंग टेस्ट। बाजरी का रोटला और गुड़, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। जब कभी बाजरे का रोटला बच जाता है तो क्या करते हैं, बाजरे के रोटले का चूरमा करके उसको गुड़ और घी के साथ मिक्स करके बाजरे के लड्डू बनाते हैं, जो कि एक स्वीट डिश हो जाती है। काफी यादें ताज़ा हो गई। Now let's taste khichdi. मूंग के दाल की खिचड़ी है, सॉफ्ट है, टेक्सचर एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा लिक्विडी ना ज्यादा सॉलिड, परफेक्टली कुक इन अर्जन पॉट। खिचड़ी के साथ कॉम्बिनेशन बनता है कड़ी का।
छाछ या फिर दही से। दोनों का टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है। ये थोड़े खट्टेपन में आती है, इसमें जीरे का तड़का मारा जाता है कड़ी पत्ते के साथ, जबकि खिचड़ी मूंग दाल का टेस्ट देती है। दोनों मिल जाता है, एक अनोखा संगम होता है। Now let's say पंचकुटीर दाल, जो हम लोगों ने दाल बाटी के साथ रिव्यू किया था, विद जीरा राइस। परफेक्टली गुड, जीरे का तड़का विद धनिया अच्छे से पका हुआ है, इसके साथ ये दाल का टेस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। आई एम अ बिग फैन ऑफ दाल नाउ। ये है कच्छ का टॉनिक छाछ बटर मिल्क इन अ कूलर, अ परफेक्ट छाछ टू एंड द डिनर। टिल द टाइम आई कंप्लीट माय डिनर, डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। लेट मी नो हाउ मेनी डिशेस हैव यू ट्राइड टुडे। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।